एक बहुत ही सिंपल और कमाल की एक्सरसाइज है जिससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। ईयर ट्रेनिंग, नोट रिकग्निशन, स्वर अवेयरनेस विथ वट एवर यू सिंग। तो इसके लिए हर एक स्वर को हम तीन तरीके से लगाएंगे, पहला स्ट्रेट स्वर और बाकी दो बार एक कर्ण स्वर की मदद लेकर लगाएंगे। अब आप पूछेंगे कर्ण स्वर क्या होता है, तो कर्ण स्वर वो होता है जिसकी मदद से हम किसी स्वर को लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रेज है नी रे गा, तो ये जो रे है इसमें ग का कर्ण लगा है, तो इसलिए ग रे का कर्ण स्वर हो गया। हर एक स्वर को पहले सीधा लगाएंगे, फिर एक नीचे से कर्ण लेंगे और एक ऊपर से कर्ण लेंगे। तो सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा सा सा। अब ऐसे ही वापस आएंगे और आकार में भी इसको रिपीट करेंगे। सो आ आ आ आ आ